दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रेडमी 8 ए और रेडमी 7 फ़ोन के बारे में। ये दोनों फ़ोन का कुछ स्पेसिफिकेशन डिटेल्स कंपैरिजन करने वाला हूँ। ये दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन बेहतर होगा और कौन सा फ़ोन आपको परचेस करना चाहिए। रेडमी 7 फ़ोन का प्राइस कट हो गया, इसका ऑफर में प्राइस बहुत ही कम हो जाएगा। इसका जो स्टार्टिंग प्राइस होगा 5999 रुपीस होगा और इसका जो हायर वेरियंट होगा 6999 रुपीस होगा। और इसी सेम प्राइस में आता है रेडमी 8 ए फ़ोन। तो आपको कंफ्यूज हो रहा होगा ये दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन परचेस करना चाहिए, दोनों फ़ोन सेम प्राइस पर आता है। तो अगर आपको इसे कहीं भी कंफ्यूज हो रहा है ये दोनों फ़ोन को लेके, ये दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन बेहतर होगा, कौन सा फ़ोन आपको परचेस करना चाहिए, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हो। इस वीडियो देखने के बाद में आशा करता हूँ आपका सभी कन्फ्यूज दूर हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों ये दोनों फ़ोन का कुछ स्पेसिफिकेशन डिटेल्स देख लेते हैं, क्या डिफरेंस है ये दोनों फ़ोन का स्पेसिफिकेशन में। तो पहले यहाँ पे डिस्प्ले से शुरू करते हैं। रेडमी 7 फ़ोन में डिस्प्ले साइज दिया गया है 6.26 इंच का HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है और इसमें एक डॉट नॉच दिया गया है, डॉट नॉच के साथ में आता है और इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। और यहाँ पे बात करें तो रेडमी 8 ए फ़ोन, इसमें डिस्प्ले साइज दिया गया है 6.22 इंच का HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है और इसमें वाटर ड्रॉप नॉच दिया गया है, इसमें भी गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। और ये दोनों फ़ोन का रियर कैमरा का बात करें तो रेडमी 7 फ़ोन में डुअल रियर कैमरा दिया गया है, जो प्राइमरी सेंसर है 12 मेगापिक्सल का F2.2 अपर्चर का साथ में दिया गया है। जो सेकेंडरी कैमरा है 2 मेगापिक्सल का F2.4 अपर्चर का साथ में डेप्थ सेंसर के लिए दिया गया है। और यहाँ पर बात करें तो रेडमी 8 ए फ़ोन, इसमें सिंगल रियर कैमरा दिया गया है 12 मेगापिक्सल का F1.8 अपर्चर का साथ में दिया गया है। और ये सोनी का सेंसर यूज़ किया गया है, सोनी IMX363 सेंसर दिया गया, ये काफ़ी अच्छा सेंसर है। ये सेंसर पोको F1 फ़ोन में भी दिया गया है। और ये दोनों फ़ोन का सेल्फी कैमरा का बात करें तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, दोनों फ़ोन में सेम सेल्फी कैमरा दिया गया है। और सेल्फी कैमरा में LED फ्लैश नहीं मिलता है दोनों फ़ोन में। और ये दोनों फ़ोन का परफॉर्मेंस का बात करें तो रेडमी 7 फ़ोन में प्रोसेसर दिया गया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 632 ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया गया है। इसका क्लॉक स्पीड है 1.8 GHz क्लॉक स्पीड पर चलता है। उसका GPU का बात करें तो एड्रेनो 506 GPU दिया गया। और यहाँ पे बात करें तो रेडमी 8 ए फ़ोन, इसमें प्रोसेसर दिया गया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया गया है। इसका क्लॉक स्पीड है 1.95 GHz क्लॉक स्पीड पर चलता है। उसका GPU का बात करें तो एड्रेनो 505 GPU दिया गया। और ये दोनों प्रोसेसर का प्रोसेस टेक्नोलॉजी का बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 632 प्रोसेसर ये 14 नैनोमीटर पर आधारित है, 14 नैनोमीटर पर चलता है। और यहाँ पे बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 प्रोसेसर ये 12 नैनोमीटर पर आधारित है, 12 नैनोमीटर पर चलता है। और ये दोनों फ़ोन में एंड्रॉयड 9.0 पाई आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। और यूज़र इंटरफेस का बात करें तो रेडमी 7 फ़ोन में MIUI 9.0 दिया गया है, 9 दिया गया है। और यहाँ पे बात करें तो रेडमी 8 ए फ़ोन, इसमें MIUI 10 मिल जाता है, MIUI 10 दिया गया। और ये दोनों फ़ोन का वारंट का बात करें तो दोनों फ़ोन सेम वारंट में आता है। 2GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज और एक आता है 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज का साथ में दोनों फ़ोन आता है। दोनों फ़ोन में 512GB तक मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल भी कर सकते हैं। दोनों फ़ोन में डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट मिल जाता है। और ये दोनों फ़ोन का बैटरी का बात करें तो रेडमी 7 फ़ोन में 4000mAh का बैटरी दिया गया। और फास्ट चार्जर का बात करें तो 10W का चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर बात करें तो रेडमी 8 ए फ़ोन, इसमें 5000mAh का बैटरी दिया गया और 18W का फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है। आउट ऑफ द बॉक्स 10W का चार्जर देखने को मिल जाएगा। और USB पोर्ट का बात करें तो रेडमी 7 फ़ोन में माइक्रो USB 2.0 दिया गया। और यहाँ पे बात करें तो रेडमी 8 ए फ़ोन, इसमें दिया गया USB टाइप सी 2.0 दिया गया, इसमें USB टाइप सी मिल जाता है। और ये दोनों फ़ोन का ब्लूटूथ वर्जन का बात करें तो 4.2 ब्लूटूथ वर्जन दोनों फ़ोन में मिल जाता है। दोनों फ़ोन में 3.5 mm ऑडियो जैक भी मिल जाता है। और दोनों फ़ोन में वाईफाई सपोर्ट भी मिल जाता है। सिम सपोर्ट का बात करें तो दोनों फ़ोन में 4G वोल्टेज सपोर्ट करता है, दोनों फ़ोन में 4G वोल्टेज मिल जाता है। और दोनों फ़ोन का फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी फीचर का बात करें तो रेडमी 7 फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है रियर में और फेस अनलॉक भी मिल जाता है। और यहाँ पर बात करें तो रेडमी 8 ए फ़ोन, तो इसमें फेस अनलॉक मिल जाता है, फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया है। दोनों फ़ोनों का FM सपोर्ट का बात करें तो FM रेडियो, तो यहाँ पे FM रेडियो में एक एडवांटेज मिल जाता है रेडमी 8 ए फ़ोन में, इसमें
बिना ईयरफोन लगा के आप लोग एफएम सुन सकते हो। वायरलेस ईयर एफएम यहाँ पे सपोर्ट करता है। और ये दोनों फ़ोन का बिल्ड क्वालिटी का बात करते हो, दोनों फ़ोन में बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा दिया गया, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन दिया गया। दोनों फ़ोन में ग्लासिक फिनिशिंग दिया गया, अलग अलग कलर में मिल जाता है। दोनों फ़ोन में बैक साइड में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दिया है, और ये प्लास्टिक का बॉडी है, बैक साइड में प्लास्टिक का बॉडी दिया गया। फ्रंट साइड में गोरिल्ला ग्लास पाइप का प्रोटेक्शन मिल जाता है दोनों फ़ोन में। और ये दोनों फ़ोन का प्राइस का बात करें तो रेडमी 7 फ़ोन का जिस प्राइस पर अभी अवेलेबल है, इस फ़ोन इसी प्राइस को मैं बता रहा हूँ। इसका जो बेस्ट वेरियंट है 2GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज, इसका प्राइस है 7,499 रुपीज़। और इसका जो हायर वेरियंट है 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज, इसका प्राइस है 8,499 रुपीज़। और ये दिवाली का ऑफ़र चल रहा है, ऑफ़र में ये दोनों फ़ोन का डिस्काउंट मिल जाएगा दोनों फ़ोन में। इसका जो बेस वेरियंट होगा 3GB रैम 2GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज, ये 5,999 रुपीज़ पर मिल जाएगा 6,000 में। और इसका जो हायर वेरियंट होगा 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज, ये 6,999 रुपीज़ पर मिल जाएगा। ये 29 सितंबर से ये अवेलेबल हो जाएगा इसी प्राइस पर फ्लिपकार्ट पर और Mi.com पर। अगर परचेस करना है तो इसी ऑफर में परचेस कर सकते हैं। और यहाँ पे बात करें तो Redmi 8A फोन, इसका जो प्राइस है 2GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज, इसका प्राइस है 6,499 रुपीज़। और इसका जो हायर वारंट है 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज, इसका प्राइस है 6,999 रुपीज़। तो ये 7,000 में मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप भी देख लेते हैं कौन सा वो फीचर है जो ये दोनों फ़ोन को अलग बनाता है। तो पहले यहाँ पे बात करें तो Redmi 7 फ़ोन का, तो इसमें तीन फीचर है जो देखने को नहीं मिलता है Redmi 8A फ़ोन में। फर्स्ट, इसमें आता है डुअल रियर कैमरा। सेकेंड नंबर में आता है इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, Redmi 8A फ़ोन में नहीं है। तीन नंबर में आता है इसमें परफॉर्मेंस थोड़ा बेहतर मिलेगा, स्नैपड्रैगन 632 प्रोसेसर दिया गया, ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। अगर कंपेयर करें तो रेडमी का जो रेडमी 8A फ़ोन का प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 439 प्रोसेसर से। तो ये तीन रीज़न है ये परचेस कर सकते हैं रेडमी 7 फ़ोन को। और यहाँ पर बात करें तो रेडमी 8A फ़ोन, तो इसमें पाँच फीचर आता है जो नहीं है रेडमी 7 फ़ोन में। फर्स्ट नंबर में आता है इसमें 5000mAh का बैटरी मिल जाता है। नंबर टू में आता है इसमें USB टाइप सी मिल जाता है। नंबर थ्री में आता है वायरलेस FM मिल जाता है। नंबर फोर में आता है MIUI 10 दिया गया है। नंबर फाइव में आता है 18W का फास्ट चार्जर सपोर्ट मिल जाता है। तो ये है दोस्तों टॉप कुछ रीज़न जो दिए दोनों फ़ोन को अलग बनाता है। आपको अभी डिसाइड करना है आपको कौन सा फीचर चाहिए, बढ़िया बैटरी चाहिए, USB टाइप सी चाहिए, या फिर फास्ट चार्जर चाहिए। तो ये आपको डिपेंड करता है, आप पर डिपेंड करता है आपको कौन सा चीज़ चाहिए, या फिर बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए, कैमरा बढ़िया चाहिए, या फिर आप लोगों को फिंगरप्रिंट सेंसर चाहिए। कैमरा तो दोनों का सेम ही होगा, कैमरा में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा। तो ये था दोस्तों कुछ रीज़न ये दोनों फ़ोन को अलग बनाता है। आपको दोस्तों ये दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन बेहतर लगा, कौन सा फ़ोन आप परचेस करना चाहोगे, आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मुझे यहाँ पे जहाँ तक लगता है रेडमी का जो रेडमी 7 फ़ोन का जो प्राइस कम होने वाला है, अगर इस प्राइस पर आ गया 6,999 रुपीज़ और 5,999 रुपीज़, इस प्राइस पर जो ऑफ़र में चलेगा इसी प्राइस पर आप लोग परचेस कर सकते हो तो बढ़िया रहेगा। और फिर भी बाद में ये ऑफ़र का बाद में जो नॉर्मल प्राइस हो जाएगा तो फिर बेहतर रहेगा Redmi 8A फ़ोन। इस प्राइस पर बेस्ट फ़ोन रहेगा Redmi 8A फ़ोन, फिर भी बेहतर ही हो जाता है Redmi 8A फ़ोन। तो ये आप पर डिपेंड करता है आपको कौन सा फ़ीचर चाहिए, कौन सा फ़ीचर के लिए आप फ़ोन लेना चाहते हो, किस काम के लिए फ़ोन लेना चाहते हो। तो दोस्तों ये था कुछ स्पेसिफिकेशन डिटेल्स ये दोनों फ़ोन का, कुछ कंपैरिजन। तो दोस्तों आपको कैसे लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना। अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइए, और हो सके तो अपना ही टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइट पर जो बेल आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आप लोगों को मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ पे खत्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।